हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों, जल्द ही हमारे बीच में आदि पुरुष आने वाली है और हम सभी को इस फिल्म का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि हमें जो इसका टीज़र, इसके सॉन्ग्स, इसके ट्रेलर्स जो हम सभी के बीच में आए हैं, उससे हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे कि हम कब थिएटर जाएंगे और इस फिल्म को हम अपने आँखों से अपने सामने देखेंगे। इसके साउंड, इसके VFX, इसकी क्रिएटिविटी, फिल्म मेकर्स की मेहनत, हमारे एक्टर्स की एक्टिंग, ये सबका धमाल होकर हम सभी के बीच में जल्द ही एक आदि पुरुष नाम की फिल्म हम सभी के बीच में आएगी। लेकिन अब जब इस तरीके की माइथो फिल्म हम सभी के बीच में आ रही है, तो भाई बॉलीवुड तो कंपटीशन के मामले में एकदम हमेशा 100% रेडी रहता है। तो अब हमें आदि पुरुष जब आएगी, तो आदि पुरुष के बाद हमारे सबके बीच में आने वाली है रामायण। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक माइथो फिल्म होने जा रही है, जिसमें रणबीर कपूर हमें नजर आएंगे, हमें ऋतिक रोशन नजर आएंगे, हमें कहीं ना कहीं हमारे KGF के रॉकी भाई यानी कि यश भी नाम इस लिस्ट में जुड़ रहा है। ऐसे और भी कलाकार हमें इस फिल्म के अंदर देखने मिलेंगे। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला है कि बॉलीवुड की नहीं, हॉलीवुड की नहीं, टॉलीवुड की नहीं, ये हमारे पूरे इंडिया की सबसे बड़ी हाई बजट फिल्म होगी। इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को शामिल किया जा रहा है, बड़े बड़े VFX के जो एडिटर्स हैं उन्हें इसमें शामिल किया जा रहा है, बहुत बड़ी टेक्निकलिटीज टीम इसके अंदर होगी, बहुत बड़े बड़े जगहों से, बहुत हाई कॉस्टली बजट से हम इसके अंदर फिल्म मेकर्स की भी टीम रहेगी। यानी कि इस बार बॉलीवुड ने एक बड़ा कुछ बजट प्लान किया है इस फिल्म को लेकर, इसलिए यह फिल्म बहुत टाइम से चर्चों में थी, बहुत टाइम से सुर्खियों में थी, लेकिन अब फाइनल इसकी खबरें हम सभी के बीच में आने लग गई, कास्ट धीरे धीरे हमको पता चलने लग गई। अब जब इसका टीज़र, ट्रेलर, पोस्टर हम सभी के बीच में आ जाएगा, तो कितना कुछ नया होगा और आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड इतना पैसा खर्च करके क्या कुछ हमें नया कंटेंट, नया कुछ क्रिएटिविटी दे पाएगा।